मंदसौर के शामगढ़ में विगत दिनों लाखों रुपए की चोरी घटना घटित हुई थी, जिसकी शिकायत फरियादी ने शामगढ़ थाना पुलिस को की थी, जिसके बाद नवागत पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद द्वारा संज्ञान लिया गया। चोरी की घटना को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, साथ ही चोरी किए गए सोना चांदी के आभूषणों को भी बरामद किया गया। दरअसल आपको बता दें कि दिनांक 3-4 अगस्त 2024 की मध्य रात्रि को फरियादी नरेंद्र कुमार पिता राम गोपाल परिहार निवासी हरि सिंह कॉलोनी शामगढ़ ने थाने पर शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद नवागत एसपी अभिषेक आनंद ने चोरी की घटना को संज्ञान में लिया। मुखबिर की सूचना और साइबर सेल की तकनीकी का आधार मानकर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों ने उक्त चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। गिरफ्तार आरोपी इस प्रकार हैं: अशोक पिता लालचंद गायरी निवासी नलखेड़ा जिला आगर मालवा, सुनील पिता मांगीलाल भील निवासी भांगड़ी मेलखेड़ा थाना शामगढ़ जिला मंदसौर, साथ ही एक गोवर्धन पिता नंदलाल गायरी निवासी नलखेड़ा जिला आगरमालवा, नरसिंह पिता निवासी नलखेड़ा जिला आगरमालवा, जिन्हें जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं एसपी अभिषेक आनंद ने बताया कि चोरी की वारदात में 10 लाख रुपए की ज्वेलरी बरामद की गई। स्टार 24 न्यूज मंदसौर। शामगढ़ में चोरी का मामला ट्रेस किया गया, क्या जानते हैं? शामगढ़ थाने में जो एक चोरी का केस जो है पंजीबद्ध किया गया था, करीब 3-4 अगस्त की रात में एक घटना घटी थी, जिसमें एक व्यापारी के यहाँ से बड़ी चोरी हुई थी, करीब जो 15 लाख से के करीब की चोरी, 15 से 18 लाख के करीब की चोरी का बताया गया था। इसमें अब पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध करने के उपरांत जो है इसमें आरोपियों की तलाश की, तो फाइनली जो इसमें एक नलखेड़ा का आरोपी है उसके बारे में पुलिस को मुखबिरी और जो टेक्निकल एविडेंस उसके माध्यम से जानकारी मिली। आरोपी का नाम अशोक पिता लालचंद गायरी है और उसके साथ दूसरा साथी जो है सुनील पिता मांगीलाल भील, ये दो आरोपियों को फाइनली पुलिस ने हिरासत में लिया। इनसे करीब 10 लाख का मसरूका जो है पुलिस को जब्त हुआ है। इसके साथ दो और आरोपी हैं जो कि फरार हैं, गोवर्धन पिता मदनलाल और नरसिंह बैरागी। इसमें जो मुख्य सरगना इनका जो था अशोक नलखेड़ा का रहने वाला है। इसके कई जिलों में जो है चोरी के प्रकरण है, राजगढ़, सारंगपुर, साजापुर, इन जिलों में चोरी के प्रकरण है, तो अपन अपने केस में इनको गिरफ्तार कर रहे हैं। साथ ही संबंधित जो जिले हैं उनकी पुलिस को भी जानकारी दे दी गई है। तो इसमें जो बड़ी सफलता है पुलिस को इसमें पूरी मामले में, मशरूका फरियादी 15 से 18 लाख का फरियादी ने मशरूका बताया है, अपन ने करीब 10 लाख की रिकवरी की है। इसमें जो व्यक्ति है ये बहुत ही शातिर चोर है, इसमें अशोक के 15 से ज़्यादा के आपराधिक रिकॉर्ड है जो नलखेड़ा का रहने वाला है इसमें, और ये मल्टीपल जिलों में ही और साथ में अंतर्राज्यीय जो है चोरी है, इस तरह की वारदात को ये घटना को अंजाम देता है। अभी वर्तमान में हमको राजगढ़, सारंगपुर, साजापुर, इनके आपराधिक रिकॉर्ड इसके प्राप्त हुए हैं, बाकी जिलों से भी अपन संपर्क करके इसके अन्य आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी प्राप्त करेंगे।